नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव में जीत की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और देश भर से अब नेताओं के बयान दिल्ली चुनाव के परिणामों पर सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश से भी दो बड़े नेताओं के बयान इस मौके पर सामने आए हैं, जो ताजा खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली चुनाव पर अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस वहां कुछ खास ना कर पाई हो, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो उसका जो चेहरा था उसको नकार दिया है। कमलनाथ ने कहा कि देश को बांटने की कोशिशों को जो फॉर्मूला जो भारतीय जनता पार्टी का था वो दिल्ली चुनाव की जनता ने उसे खारिज कर दिया है। सुनिए कमलनाथ ने दिल्ली चुनाव परिणामों पर क्या कहा। दिल्ली इलेक्शन में कांग्रेस का अब तक खाता नहीं खुला। देखिए, ये तो पहले से हम जानते थे कि हमारी संगठन और जो आज, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं, और केंद्र में, केंद्र भी दिल्ली में है, तो अगर संतुष्ट होते लोग, संतुष्ट होते सबसे ज़्यादा करीब अगर किसी स्थान पर हैं तो मोदी जी तो दिल्ली से सबसे ज्यादा करीब। साहिनबाग जैसे मुद्दे को नकार दिया, साहिनबाग जैसे उन्होंने केवल विकास की बात करी। भारतीय जनता पार्टी का सही पहचाना, सही चेहरा पूरे देश भर में पहचाना जा रहा है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने दिल्ली चुनाव पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 3 सीटें पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और अब 15 सीटों पर भाजपा की बढ़त चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर अंतर 1,000 वोटों के आसपास का है, शाम तक नतीजे फाइनल हो जाएंगे। फिलहाल उन्होंने दिल्ली में भाजपा के कार्यकर्ताओं को इन परिणामों के लिए भी बधाई दी है और कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चुनाव में जमकर परिश्रम किया। अभी पूरी साफ होने दीजिए, कई सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच वोटों का अंतर 1,000 वोट से भी कम का है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी उत्साह से भरे हुए हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल साफ ही हो गई, पता ही नहीं चला कहां गई, और बीजेपी का जो वोट शेयर अभी दिखाया जा रहा है वो लगभग 10% बढ़ रहा है, सीटें लगातार कई गुना बढ़ी है। पहले तो हमारे पास 3 ही थी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पूरा परिणाम आने दीजिए। अभी पूरे परिणाम आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से साफ होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया है, और इसलिए हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो दिख रहा है, क्योंकि सीटों का अंतर बहुत कम है, सीटों के बीच वोटों का जो अंतर है वो बहुत कम है, और अभी भी अच्छे परिणाम आएंगे।